इन्फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। हमारा माइंड पूरा इन्फॉर्मेशन पे वर्क करता है। आपको पता है, कभी रियलाइज़ किया है आपको अचानक अगर कॉल आ जाए, सर अरुण बोल रहा हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया से, आप तुरंत फ़ोन रख देते हो, राइट? बिकॉज योर माइंड नोज इट्स अ स्पैम कॉल। बट अरुण भी तो दिन भर फ़ोन कर रहा है ना। सर अरुण बोल रहा हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया से, रख दिया। सर अरुण बोल रहा हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया से, रख दिया। उसको लग रहा है यही तो मेरा जॉब है, ऑफिस आना है, लोगों को इंट्रो देने और सैलरी लेनी है। मुझे आता है, मैं नहीं रखता भाई साहब। वो दिन भर कॉल कर रहा है, सर अरुण एलआईसी ऑफ इंडिया से, सर अरुण बोल रहा हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया से, और मुझे आता है तो सर अरुण बोल रहा हूँ एलआईसी ऑफ इंडिया से। हाँ बोल अरुण। सर सर अरुण, सर एलआईसी ऑफ इंडिया से। हाँ अरुण बोल। सर आपको पूरा सुनना है। हाँ अरुण मुझे पूरा सुनना है, बोल। सर एक मिनट में आपका कॉल अपने मैनेजर को कनेक्ट करवा रहा हूँ। बट पंगा क्या मालूम है, अब हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है जिसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है। जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हो थिएटर में, तो शुरू होने के पहले क्या करेंगे, मुकेश को मार देंगे। क्यों मारा? मतलब मूवी चालू है उसके पहले मुकेश को मार दिया। और क्या मारते हैं भाई, मुकेश का प्रॉपर ऐड है। मुकेश बोलता है कि मैं 2 साल तक गुटखा चबाता था, अब मुझे लगता है इसके बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर कहता है अफसोस हम इसे बचा नहीं पाए। तो सीन काट दो ना। हम इंडियन ऑडियंस है भाई, हमको कितना गिल्ट आ गया देख के। उसको लग रहा था वो बोल नहीं पाएगा और वो मर गया। काटो ना वो सीन। भाई कितना गिल्ट। मतलब यार मैं गुटखा नहीं चबाता हूँ, ठीक है ना, मैं गुटखा नहीं चबाता हूँ। आप लोग भी, काफी लोग शायद ना चबाते होंगे। मुझे बताओ कि मैं क्यों अपनी छाती पे मुकेश की लाश का बोझ लेके पूरी पिक्चर देखूं? क्यों? पूरी पिक्चर में यही गिल्ट रहता है यार, वाह अक्षय कुमार ने क्या मस्त एक्टिंग की, मजा आ गया, लेकिन मुकेश स्टार्ट में मर गया। मारो ना इंटरवल में। जब तक हम मूत के आएंगे मुकेश मर चुका होगा। कुछ भी। वहां अरुण अलग परेशान है, अरुण से कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरुण का फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल पर है। वो बेचारा ट्रेन पे लिख के चला जाता है कि रात गुजारिए, सुनी रातें, कॉल कीजिए इस नंबर पे, कोई फोन नहीं कर रहा है। नीचे अरुण फ्रॉम एलआईसी ऑफ इंडिया लिख के आ गया है। अरुण एंटी टोबैको कॉल सेंटर में फोन करके उनकी फाड़ रहा है। उनको बोलता है हेलो, हाँ सर बोलिए, कैसे सहायता कर सकती हूँ आपकी? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं कौन? मुकेश। कान फट गई ना उनकी ऐसे। अरुण मुझे आके कहता है कि भाई मेरी जिंदगी एकदम हताश हो गई है, कोई बात नहीं करता है मुझसे, मैं क्या करूँ, सुसाइड कर लूँ क्या? तो मैंने सोचा अब इसको कुछ बताना पड़ेगा यार, ये तो थोड़ा सीरियस हो गया मैटर, और मुझे शायरी लिखना बहुत पसंद है। मैंने फिर से ट्राई की एक लास्ट टाइम शायरी, और मैंने उसको बोला कि देख गम तो तुझसे भी ज़्यादा है दुनिया में गालिब। इसे गालिब लगाने से अच्छा लगता है ना, हैवी आता है। मुझे लगा कन्विंस हो जाएगा। गम तो तुझसे भी ज़्यादा है दुनिया में गालिब, जाके पूछ उनसे जिनकी हर सांस में बेबसी और तन्हाई है। वो पूछने लगा। वो रातों को घर से बाहर घूम रहा है, फुटपाथ पे सोए हुए लौंडों को उठा उठा के बोल रहा है, तू गरीब है, तू बेबस है, तू कितना गरीब है। एक बार मेरे दादाजी ने चोर पकड़ा, उसको ऐसे गले से दबाए हुए नीचे गिराया है, और उसकी छाती पे मारे जा रहे वहां पे आ गया अरुण। अरुण चोर के पीछे पड़ गया। तू चोर है, तू चोरी क्यों कर रहा था? म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लेता, म्यूचुअल फंड सही है। हाँ तेरे हाथ से खून निकल रहा है। चोर ने देखा खून कहाँ से आया। दादाजी ने उन दोनों को देखा और मुझे देख के कहते हैं, देख रहा है इन दोनों को, तेरी भी अच्छी खासी नौकरी थी, छोड़ के आ गया। देखो नौकरी का जो टॉन्ट है ना, बताया कि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि नौकरी का जो टॉन्ट है हम लोग को हमेशा मिलता है। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा मिलता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलता था क्योंकि मैं बहुत गरीब था। मतलब ऐसे पैदा हुआ देखा, शिट बहुत गरीब हूँ। हाँ नहीं सच में बहुत गरीब। मतलब आप लोग यहाँ पे पानी के लिए वो एक्वागार्ड होता है ना, मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। नल था म्यूनसिपालिटी का घर के बाहर, उस पर मम्मी ने बांधी थी पापा की लुंगी लाल रंग की, हर साल उसी को फाड़ फाड़ के चेंज कर रही थी, और वो लुंगी कलर छोड़ती थी। तो हमने बचपन से वही देखा था, हमको लगता था पानी तो लाल ही होता है, तो हम लाल पी रहे हैं, हम दिन भर लाल। पड़ोसी लोग देख के चिढ़ रहे हैं कि इनके बच्चे बड़े अमीर हैं, साले दिन भर रूह अफ़ज़ा पीते रहते हैं। और हम और हम सब दिन भर लाल पी रहे, हम लाल पी रहे, लाल मूत्र है क्योंकि किडनी ने भी हाथ ऊपर कर दिया, भाई मेरे से ना हो पाएगा, अब तू लाल ही ले तो हमारी पूरी फैमिली दिन भर पिचकारी बन के घूम रही है, मतलब जहां मूते वहां लाल। एक बार ऐसी एक दीवार थी, वहां मूत के चला गया, सुबह आके देखता हूं तो कोई चूतिया नीचे अवधेश पेंटर्स लिख के चला गया। एक बार हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था, तो सामने में जो बंदी थी पलट के पीछे बोली कि मेरे पास रेड कलर खत्म हो गया, तुम्हारे पास है? मैंने कहा है। अरे मेरा खुद का ड्राइंग कंपटीशन होता था ना, तो हर साल पता है, हर साल स्ट्रॉबेरी टमाटर, टमाटर स्ट्रॉबेरी, घर की खेती, टमाटर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी टमाटर, यही बनाया जा रहा था। सर को लगा साला इसको बड़ा ऑब्सेशन है लाल कलर से, जब देखो तब यही बनाते रहता है। एक बार मेरे पास आया और बोले सुन तू आज तरबूज बनाएगा, तो मैं कहा ठीक है। तो वापस आए, बोले बनाया, मैंने कहा देखो बनाया, कहते लाल कैसे किया, तो मैं कहा कटा हुआ है। बोले अबे कटा नहीं बनाना है तुझे, पूरा बनाना है पूरा, मैं वापस आता हूँ बना के रख। तो फिर से घूम के आया, बोले बनाया, मैंने कहा हाँ ये देखो, कहता अब कैसे लाल किया बे, मैं कहा छिला हुआ है। तो इसे तरबूज ना बन रहा बे, हाँ तिवारी ब्राह्मण तू साले 20 साल बाद मंदिर बनाएगा। हाँ हम लोग ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही गरीब मोहल्ले में रहते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला भी कि चलो अब तो मम्मी हमारे घर पैसे वैसे आ रहे हैं, हम लोग भी चले जाते हैं ना अच्छी सोसाइटी में, दोस्त चिढ़ाते हैं। तो मम्मी ने कहा क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, कितनी अच्छी सोसाइटी है, हम लोगों की बस्ती है भले ही पर कितनी अच्छी है, कभी देखा है रात को ताला बंद होते हुए? दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं हमारे यहाँ पे रात भर, मजा लो कभी कोई चोर चोरी कर ले। मैं कहा क्या चुराएंगे चोर, इतनी बार घर में घुस भी जाते हैं, ऐसे घूमते जैसे शादी में फूफा घुसता के घूम रहा है, कहाँ घुस गया मैं क्या करूँ कुछ रख के जाना है, उठा के जाना है, क्या कर रहा है। हाँ दादाजी को बोलते रहता हूँ, दादाजी दादाजी घर में चोर है, तो बोलते हैं चुपचाप सो जा यार, इतना कॉन्फिडेंस। और वो जा रहा था तो उसकी अलग फाड़ रहे हैं, जैसे जाने लगता है तो बोलते हैं यार दरवाजा बंद कर देना यार, मच्छर आ जाते हैं। मम्मी कहती देखो ऐसे बेइज्जती नहीं करते। याद है कुछ दिन पहले दादाजी ने चोर पकड़ा था, घर में नल की टोटी चुराने आया था। मैं कहा मम्मी मेरा ना दिमाग मत खराब करो, हाँ अपनी ऑडियंस को इतनी देर से बता नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं है। नल की टोटी चुराने आया था, कौन सा नल, हमारे यहाँ नल का है, नल तो घर के बाहर है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। रात के 2 बजे थे और चोर घर के अंदर घुसा, पूरा घर घूमा, उसे कुछ मिला नहीं तो वो जाने लगा, और उसी वक्त दादाजी को आई सुसु और चोर को आई आवाज़, तो उसको लगा अंदर नल है, तो जाते जाते नल की टोटी चुरा लूं इस गरीब खाने से। दादाजी की चीख पे उठाऊं मैं, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो दादाजी ने चोर पकड़ा हुआ है और उसको नीचे गिराए हुए हैं और उसकी छाती पे मारे जा रहे हैं। देखो आदमी को जब गुस्सा होता है ना उसकी ताकत बढ़ जाती है, पर आदमी जब गुस्सा हो और कंफ्यूज भी हो और फटी भी हो कि ये कर क्या रहा था। आप थोड़ा दादाजी की जगह रह के सोचो, मतलब क्या बीत रही होगी उनके दिमाग पे। दादाजी मारे जा रहे हैं उसको। उतनी देर में वहां पे अरुण आ गया। अरुण चोर को कहता है तू चोर है, तू चोरी क्यों कर रहा था, तेरे हाथ से देख खून निकल रहा है। चोर ने देखा खून कब निकला यहाँ तुम्हारा भी नहीं। दादाजी उन दोनों को देख के कह रहे हैं मुझे देख रहा है इन दोनों को, तेरी भी अच्छी खासी नौकरी, मैं बंद करो यार कब से नौकरी लगा रखा है। मैंने बोला हाँ थी मेरी अच्छी नौकरी, कॉल सेंटर में जॉब करता था, एंटी टोबैको कॉल सेंटर था, वो भूतिया था। कहते कैसे, मैं कहा वहाँ मुकेश के फोन आते थे। तो अरुण मुझे देख रहा है, तो दादाजी ने अरुण को कहा तेरी भी तो नौकरी थी। तो अरुण कहता है दादाजी मेरी ना बहुत अच्छी नौकरी थी, एलआईसी में जॉब करता था, सिर्फ लोगों को इंट्रोडक्शन देने थे, सैलरी लेनी थी। एक चूतिया जब भी फोन करो कहता था बोलो अरुण बोलो अरुण, छोड़ दिया मैंने। अच्छा मेरा ना जोक तो खत्म हो गया, लेकिन ना मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ खत्म करने से पहले कि देखो अगर कलर वाला पानी तुम पियोगे ना तो कलर मुतोगे नहीं, वो याद रखना। हाँ मतलब ये कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं है, वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। हाँ किडनी जान दे देगा लेकिन कलर वाला पानी नहीं आने देगा, याद रखना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा सच में होता तो लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी का मुद्दे ना, हमारा बच्चा तो यूएई में एक्सपोर्ट करता है, यूके में तो अपना ही माल जाता है। दुनिया की सबसे बेस्ट पिकअप लाइन क्या होती बताऊं? होली खेलेगी क्या? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ऐसा मतलब ऐसा होता नहीं है, है ना। आप लोग तो, ये तो दिल्ली है, मैं तो कहीं भी शो करते रहता हूँ। पता चला मैं कहीं शो कर रहा हूँ, वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है रमेश, उसको लगा रहे वाह क्या स्टार्टअप आइडिया है ना? घर पे जाकर के डायरेक्ट घोल घोल के पिए जा रहा है पानी, देख रहा है अरे कलर तो आ ही नहीं रहा है। फिर उसको याद आया कि विनय के यहाँ पे जो पापा की लुंगी है उससे आता है कलर। हाँ, उसने ये भी बताया था कि घर तो इनका खुला ही होता है, चुरा लो। तो आ गया मेरे यहाँ चुराने के लिए, घर में घूम रहा है पूरा, पर मेरे घर में नल है नहीं है, नल तो घर के बाहर है। उसको याद आया अरे हाँ नल तो घर के बाहर था। तो जब वो बाहर जाने लगा उतनी देर में दादाजी को सुसु आ गई। उसको लगा रहे नल तो अंदर ही है।